नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृतिलग्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस परे कोटियारे आंध्र निर्वाचन करबा प्रसंग आज सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी इलेक्शन करथबा नै आंध्र विरोध रे अदालत अवमानना मामला दाखल करथिले ओडिसा सरकार। नयागढ़ बहुचर्चित परी अपहरण व हत्या मामला एसआईटी रो एलबीए टेस्ट आवेदन रो आज सुनानी नयागढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट सुनाइबे राय। परी मामलें सामनाकु आसला सांघातिक सत स्वीकारोक्ति वीडियो पूर्वर भय माड़ व धमक नानी बाहागर भांगी देबार भय देखाउथिले एसआईटी मुख्य बापा नथिबारु नाबालक को डराउथबा महागारे अर्धलग्न अवस्था रे केनाल रु महिला मृतदेह उद्धार दुष्कर्म पर हत्या अभियोग आणिले परिवार लोक घटनास्थल रे महांगा पुलिस रे छानबीन। अंतरिक्ष रे नासार ऐतिहासिक सफलता मंगल रे सफलतार सहित लैंड कला रोवर सात मास रे यात्रा परे काली राती 2:25 रे अवतरण। पद्मपुर रे छिंडुनी मंडी समस्या राती सारा उपजिलापाल एवं तहसील कार्यालय आगरे चासी को धारणा समाधान न हेबा पर्यंत न उठिबा पई चेतावनी। एवं पुरी रे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत महाप्रभु का दर्शन करी नेले आशीर्वाद कहिले वर्ष आरंभ रु श्री जगन्नाथ का दर्शन करी मु धन्य विश्ववासी को सुख समृद्धि कामना। कोटियारे आंध्र पंचायत निर्वाचन करबा प्रसंग आज सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी हेबो। आंध्र प्रदेश कोटियारे पंचायत निर्वाचन करबा ने अदालत अवमानना मामला दाखल करथिले ओडिसा सरकार जहार आज सुनानी करबे सर्वोच्च न्यायालय। एहा पूर्वरु गतकाली सुप्रीम कोर्ट रे दाखल अफिडेविट रे ओडिसा को कड़ा जवाब देथिला आंध्र। ओडिसा करथिबा अदालत अवमानना आवेदन को भूल धारणा बोली कहिछि आंध्र। 2006 रे सर्वोच्च न्यायालय कोनसे निर्देश देइ नहांति। सर्वोच्च न्यायालय ओडिसा द्वारा दाखल होइथिबा उक्त मकदमा को भारत संविधान धारा 131 आधार रे रक्षणाबेक्षण योग्य नुहे बोली धार्य करी खारज करबा परे उभय राज्यर विवृति रेकर्ड करथिले। ता परठु सर्वोच्च अदालत द्वारा कोनसे निर्देश पास होइ नाही तेनु अवमाननार प्रश्न उठु नाही। एथि सहित आंध्र एहा मध्य दाखल करिछि जे आराकु संसदीय निर्वाचन मंडली एवं सालुरु विधानसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत ए विवादीय गांव गुड़िक आंध्र क्रमगत भाव में निर्वाचन कर आसुची वोटर तालिका मध्य रही 1968 एवं 2006 सुप्रीम कोर्ट केवल स्थितावस्था जाहिर करते आंध्र देउथबा सुविधा सुजोग उपरे मध्य उल्लेख करा जायछि। ए अंचल आमर थिला अछि आ आगो को मध्य रहिबो बोली आंध्र स्पष्ट कहिछि। ए बाबद्र अधिक सूचना पाई दिल्ली प्रतिनिधि गगन फोनलाइन रे जोड़ी होइछन्ति। गगन पूरा घटनारे आंध्र जेभली भावरे स्पष्टोक्ति रखिछि तापरे राज्य सरकारकर कोन आभिमुख्य रहुछि बा कोन कहिबा कथा रहुछि ता उपरे मध्य नजर रहइबो। चेष्टा करूछ हम प्रतिनिधि सहित जोगाजोग करने आपको खबर बाबद अधिक अवगत कराइबापी। कोटियारे आंध्र निर्वाचन करने प्रसंग में अदालत अवमानना मामला दाखल करथिला ओडिसा। आंध्र विरोध में दाखल करथिले मामला एवं आंध्र निजर स्पष्टोक्ति रखी कोटियारे आंध्र निर्वाचन करने प्रसंग में आंध्र कहवा कथा निर्वाचन बहु पूर्व आसुच्छी मतदाता लिस्ट रही सहित आंध्र एक अदालत जहाँ निर्देश रही अवमानना कर प्रश्न उठूना। कोटियारे आंध्र निर्वाचन करने प्रसंग में ये हूँ वर्तमान सबुठ बड़ अपडेट। नयागढ़ बहुचर्चित परी हत्याकांड मामला एसआईटी रो एलबीए टेस्ट आवेदन रो आज सुनानी हेबो। नयागढ़ रो बहुचर्चित परी हत्याकांड मामला रे आज अभियुक्त नाबालक रो एलबीए टेस्ट नै एसआईटी पक्षरु करा जैतिबा आवेदन रो सुनानी करिवे नयागढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट। अन्य पक्षरे अभियुक्त नाबालक रो वकीलक पक्षरु आज नयागढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे अपील पिटीशन फाइल करा जिवो बोली सूचना मिलिछि। परी मामलें सामना को आसला सांघातिक सत आउ एक भिडर सामना को आसला स्वीकारोक्ति पक्षर सत। भिड पूर्व नाबालक को भय माड़ आ धमक दि जा अभोग
नानी बाहागर भांगी देवार भय देखा जाउथला एवं ए भय देखाउथले एसआईटी मुख्य एभली कि बापा नथिबारो नाबालक को डराउथबा भिडियो रु जणा पडिछि तो पाई लढ़ीबा को केही नाहंती तू फसीगले किछि करि पारिबुनी बोली कुहा जाइछि। प्रथमे नाबालक स्वीकारोक्ति भिडियो भाइराल हेबा परे एबे ए द्वितीय भिडियो को नै चर्चा जोर ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରମାଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଲିକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। କିଏ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ଏସ୍ଆଇଟି ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଦାବି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ପରେ ମା କହିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁ। ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତ କୋର୍ଟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। अभियुक्त नाबालकर स्वीकारोक्ति वीडियो लिक गन पॉइंट रे निया जाइनी तो बयान कोर्ट रे स्वीकारोक्ति वीडियो ग्रहणीय नुहे। बोत्रांक जामकोली गप मिछ स्टेटमेंट वो बोत्रांक कथारे नाही ताळ मेळ मिछ साखी रे फसिबा परे एसआईटी रो आउ एक चार लीक होइगला। अभियुक्त नाबालकर स्वीकारोक्ति वीडियो परी हत्या प्रसंगे बीजेपी करुछि प्रेसमिट एवं लेखाश्री सामंत सिंहार वर्तमान ब्रीफ करुछन्ति सीधासळख आमे आपनकु से जगह को ले जाउछु। विधानसभा रे उठिबो से भयरे भयभीत होई राज्य सरकार एसआईटी को लगेकिरी गतकाली गोटे वीडियो रिलीज करेले जो वीडियो सपोजेडली होउछि अभियुक्त नाबालक सरोज सेठीर जो थे सीए स्वीकार करुची बोली वीडियो कहुची जे से स्वीकार करुची बोली तार अपराध को सर्वप्रथमे जेते बड़े मामला विचाराधीन अच्छी कोर्टे हाईकोर्टे एवं सुप्रीम कोर्टे आपण जानिथिबे जे सुप्रीम कोर्ट मध्य सीबीआई को एवं राज्य सरकार को ए मामला रे नोटिस करिचंती से समय रे गोटे इंटरनल इंटरोगेशन जो थरे फॉरेंसिक लैब भितरे अभियुक्त किछि कथा कहुची ताको खोला रे ताको पेस करिबा से वीडियो को लोकों को देखेबा किछि सिलेक्टेड गणमाध्यम रे ताको चलेबा ये होची संपूर्ण भावरे अनैतिक। मु आपन को मने पके दिए जे जते बेले एसआईटी तार प्रथम स्टेटस रिपोर्ट परि मामला रे दाखल करथिला हाई कोर्ट रे से समान दिन जते बेले जहाँ दाखल करथिला बंद लफाफा भितर थिबा कथा बंद लफाफा एसआईटी देला मान्यवर हाईकोर्ट को एई दुई जण पार्टी ही जानिबा कथा लफाफा भितर कौन अच्छी किंतु हाईकोर्ट लफाफा खोलिबा आगुरु से लफाफा भितर कौन अच्छी किछि गणमाध्यम रे भी बाजिला में देखिथिलु सेतेबेले भी आमे प्रतिवाद करथिलु जे ये अनैतिक प्रजातंत्र रे सांविधानिक विधि व्यवस्था रे जो भली कार्य हबा कथा जोटा सील्ड लफाफा रे जहाँ पे उद्दिष्ट से ही देखिबा कथा फॉर देयर आईज ओनली एटा केमिति लीक हला एसआईटी याको सिलेक्टिवली लीक करिचंती बोली आमे आरोप सेतेबेले भी करथिलु आज मध्य आरोप करुचु जे एसआईटी तदंत को बाटबणा करिबा पाई कि ओडिसा रा विधानसभा आगरे जो विषय रहिचि कोटिया एवं अन्यान्य गां रे आंध्र निर्वाचन करिबा
ओडिशार सीमा सुरक्षित न रहिबा, धान मंडीरे आज भी चाषी मानकर धान पड़ रहा, ये सबू महत्वपूर्ण प्रसंगर नजर हटेबा ये जो ये वीडियो वायरल करा जाई एतरे सीधा सड़क से बंद लफाफा भी एसआईटी लीक करेथिला, एई वीडियो भी एसआईटी लीक करी। जेते बड़े वीडियो गोटे हाईकोर्ट रे दिया है ची बा अन्य को कोर्ट रे दिया है ची एविडेंस हिसाब रे प्रमाण हिसाब रे से वीडियो बाहर को केमिति आसिला यार तदंत हबा निहाती आवश्यक। या पछरे षडयंत्रकारी को माने उभय परी इशु को एवं कोटिया आउ धानमंडी इशु को डाइल्यूट करिबा पई कि चाहुचंती राज्य रे सेमानंकर मुखा भी खोलिबा आवश्यक। द्वितीय कथा जेते बेले अभियुक्त रो गोटे प्राइवेट वीडियो जोटा इंटरोगेशन समय रे जोटी सीए किछि फोरेंसिक लैब रो जूनियर ऑफिसर मानन का आगरे कहूछि, पुलिस ऑफिसर सेठी मौजूद नाहंती, ये जहाँ कहूछि सेटा 164 रे भी रिकॉर्ड हेई नाही, ताले ये कथा केमिति बाहरिला काहिं की बाहरिला। सीधा सड़क जनमत एवं जजमेंट को प्रभावित करिवा पाई कि ये षडयंत्र एसआईटी रचिचंती बोली आमे सीधा सीधा कहूछु। मूलरु एसआईटी एवं एसआईटी रो जे मुख्य अरुण बोथ्रा निजस्व ओरिजिनल तदंत करी नहांती, जोटी जहाँ जहाँ तथ्य प्रमाण आसीची ताको इन्वेस्टिगेट करी नहांती, बरम गोटे कहानी रचिवा पाई कि चाहिचंती एवं कहानी अनुसार तथ्य प्रमाण रोपण करा जायची, ये आम आगुरु भी कहीलु आउ थर भी कहूँ। ये जो गत कालीर वीडियो वायरल होती सी एतिक स्पष्ट करुची जे अरुण बोथ्रा हाथ में एसआईटी हाथ में कौन सी प्रमाण नहीं सरोज सेठी को दोषी सब्यस्त करने कि बरम या भितर असल अभियुक्त को खसई देवाई कि गोटे विराट षडयंत्र स्पष्ट देखा जा। गत काली जो मोबाइल फोन सरोज सेठीर पठाही कलिकता फोरेन्सिक लैब को से लैब कि रिपोर्ट न देकि से मोबाइल फोन को फेरे देइछन्ति, तो बाहर को जो तथ्य प्रमाण पठाउछन्ती एसआईटी सबु बिना रिपोर्ट रे फेरुची कोथरु किछि कंक्लूसिव कंक्लूजन ड्र करी हो नाही, किंतु एठी एमाने सरोज सेठी को दोषी सब्यस्त करिवा पई कि अंटा भिड़िछन्ती आउ राज्य सरकार तांकर विभिन्न एजेंसी लगेकरी जिए असल अपराधी जहाँ उपरे सर्वप्रथम रु परीर माँ बापा आरोप करि आसुचंती तांकु कौन पाई कि तदंत परिसर भुक्त करा जाउनी, ए कथा आम पुणी अथर दोहरुछु। जेतेबेले परीर बापा माँ बारंबार कहुचंती ए वीडियो वायरल हेला परे मध्य गतकाली भी परीर माँ आसिकी कहिचंती एसआईटी गोटे कहानी रचुची एवं एसआईटी रो कहानी रे तालमेल नाही, ये मिछ कथा कहउचंती, ये आमको धमक देइचंती जीवन रे मारी देबे बोली आम घरे पसिकी मारिबे बोली धमक देइचंती। आउ जो मानंकर 164 पुलिस रेकर्ड करीची सेई माने सरोज सेठी विरुद्ध रे जो माने विटनेस को जहां को विटनेस करीची एसआईटी सेई माने होउचंती सेई अभियुक्त जहां ना परीर बापा मा नैचंती, तो जो माने असल अभियुक्त जो माने असल अपराधी तांकु सरकार करिची विटनेस आउ गोटे लोक विरुद्ध रे ये पूरा घटना स्पष्ट जे जेहेतु बिजु जनता दलर हात बिजु जनता दलर सदस्य बाबुली नायक तार बंधु माने कानु बेहरा डुगु नायक हैप्पी नायक जय परिडा बैकुंठ राउत एमती किसी व्यक्ति जो माने विजु जनता दलर सदस्य कर्मी जेहेतु एम संपृक्ति अच्छी आउ एम हेड सार होचंती मान्यवर मंत्री अरुण साहू महोदय, तेणु तो यूँ सुरक्षा दवापी कि राज्य सरकार दायित्व दे जड़े अरुण बाबू को अरुण बोथ्रा को आउ सी दायित्व कौली भाव में तुलाउंट ओडिशावासी देखुंशावासी देखुं, तेणु आपण ना परीर असल अपराधी को खसई पारे ना आपण आज ओडिशा विधानसभा आगे जो प्रसंग रही सीमा बदर आउ धान मंडीर से ना आपण अटेंशन डाइवर्ट करें,
तो ये जो विधानसभा प्रथम दिन विधानसभा आरंभ न होणु प्रायोजित वीडियो रिलीज करा जायछि किछि गणमाध्यम को या को आमे घोर निंदा करूछु। ये अनैतिक एवं गोटे 21 वर्षर सरकार छाती ठोकी कि आपण कहउछन्ती जे ओडिसा बासी आपण को पांच पांच थर निर्वाचन जितेइछन्ती आपणकर गणतंत्र उपर भरसा नै आपणकर विधानसभा को सम्मुखीन होबा को फेस करिया पई कि मुह नै त माने आपण दोष करिछन्ती। तेणु राज्य सरकार ये जो गुरुत्वपूर्ण विषय अच्छी ओडिशा बासी का आगरे तार सामना करंतु एवं जहाँ सत्य सत्य रही एक कथारे यार पर्दाफाश हवा कथा सर्वशेष रे मु कहिबि जे जो वीडियो टी वायरल करिबा पई कि चेष्टा करचंती एसआईटी से वीडियो मान्यवर न्यायालय रे एडमिसिबल नुहे जेहेतु सीए ना कि को मजिस्ट्रेट आगे है ना को पुलिस ऑफिसर आगे है तेणु ये या केवल यहाँ एस आई टी जानी कोर्टे एडमिसिबल नुहे तथा तो यहाँ को वायरल करणपी ना लोके चर्चा करेंगे जनमत तैयारी हम आउ जजमेंट को प्रभावित करेंगे एत सहजर जनमत तैयारी हुए नहीं बोथरा साहेब कि एत सहजर जजमेंट भी प्रभावित हम ना सत्य पर आम विश्वास अच्छी परी को न्याय आज नहले काली निश्चित भाव में मिलिबो एतरे कौनसी दुईमत नाही बहुत लोक ए राज्य रे चाहुचंती जे परी को न्याय मिलु तेणु आपण को भली किछि जो माने लोकों को न्याय दबा पाई कि पदरे अछंती जस्टिस डेलीवरी सिस्टम रो गोटे अंग जो माने सेई माने जदि शासक दल रो चाटुकारिता करिकिरि असल अपराधी को खसई देवा पई षडयंत्र करिवे केबे भी सफल हेबे नै। थैंक यू। लेखाश्री सामंत सिंहर को प्रेस मीट जहां आपण सीधासलक देखुथिले एवं प्रसंग थिला परी हत्या प्रसंग किभली भाबरे जोठे वीडियो वायरल होईछि अभियुक्त किछि स्वीकारोक्ति करिछि ताकु जनमत सृष्टि करबा पई व्यवहार करा जायछि एवं वीडियो काहे के वायरल होईछि ये तो कोर्ट रो प्रोसीडिंग रो कथा ये कोर्ट रो कथा ये लोकलोचन को केमिति आसछि ताकु नेकी आलोचना करथिले बा ताकु नेकी निजर मत रखुथिले। परवर्ती खबर को आसीबा मंगल ग्रह रे पहुंचला नासा रो रोवर। अमेरिकार महाकाश गवेषणा संस्था नासा गतकाली राति 2:30 मिनिट रे मंगल रे परसिवरेंस मार्स रोवर रो सफलता पूर्वक लैंडिंग कराई छि। एथि सहित अमेरिका मंगल को सर्वाधिक रोवर पठाई थिबारे दुनिया रो प्रथम देश होई छि। मंगल रे जीवन रो संधान पाई जाइछि एही रोवर एवं भविष्यत रे सेठारे मनुष्य रही पारिबो कि नाही तार संधान भी करिवो रोवर। जेजे रो क्रेटर जहाँ मंगल ग्रह रो एक दुर्गम इलाका एवं सेठारे लैंड करिछि परसिवरेंस मार्स रोवर। यार ओजन प्राय 1000 किलोग्राम। यह परमाणु शक्ति चलो मंगल पृष्ठ से 10 वर्ष जाए कम कर 7 फुट रोबोटिक काम 23 कैमेरा एक ड्रिलिंग मशीन लगी एगुड़िक मंगल माटी फोटो एवं सहित वीडियो नेबार साय कर। मंडी समस्या को नहीं राति सारा चाषी धारणा। बरगढ़ जिला पद्मपुर उपखंड प्राय 70 मंडी में प्राय 7 लक्ष पैकेट रु अधिक धान पड़ रही एवं प्राय 4500 चाषी टोकन लैप्स हो जाता नहीं धान उठाई गत 7 दिन हम उपजिला कार्यालय सम्मुखें धारण में बसी चाषी किंतु कौन सी प्रकार सुफल न मिलबारु पुणी थे पद्मपुर उपजिलापाल तहसील कार्यालय गेट आगे चाषी धान रखी गेट बंद कर। बरगढ़ चीफ सीएसओ एवं डीआरसीएस भक्तबंधु साहू चाषी सहित आलोचना करने आसी चाषी को 4 दिन समय मागिता बेले चाषी मैंने किंतु समाधान नहवा पर्यंत धारणास्थल उठिबे नहीं बोली जिद धरी। अनेपटे झिपिझिपि वर्षा आरंभ हो जाए जहाँ खोला आकाश तले पड़ा धान बस्ता किमि रखे से नहीं चाषी चिंता बढ़ाई। देखो ये जो आंदोलन है मोर गोटे सुध घर थी जाइए से कमिट कली जो मुझे आसबी आफ्टरनुन से अनुसार मुझे आसली बाकी
ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ସେଇ ଉପରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମିଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ତା'ର ଫର୍ଦର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଟା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡି କଲାପାର୍ଚ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଜି କଲାପାର୍ଚ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଗଜରାଜ ମୃତ୍ୟୁର କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କଲାପାର୍ଚରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 6ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାହାଣ ଭୂତାଣୁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଟିକାକରଣ, ହାତୀ ପିଉଥିବା ନାଳପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ ତଥା ହାତୀଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛି ପରାମର୍ଶ। ପୁରୀରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାନାବତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଆଯାଇଥିଲା। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ 22 ପାହାଚ ଏବଂ 7 ପାହାଚ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କଙ୍ଗନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ଅଭିଳାଷା ମୋର ପୂରା ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା ରାନାବତ। आपको पता है कि साल की शुरुआत में मेरी ये बहुत इच्छा थी और मैंने इस तरह की भगवान से प्रार्थना भी की थी कि मुझे इस साल जगन्नाथ जी के दर्शन हो। देखिए कितना सौभाग्यशाली साल है कि मुझे सच में दर्शन हो गए, और मेरी फिल्म धाकर के क्रू का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। देखिए वही है कि हम लोगों ने सबके भी सर्व शांति के लिए प्रार्थना है, और जैसा कि सबको पता है यहाँ पे श्री कृष्ण बस है जगत के, तो उनसे हमने यही प्रार्थना की है कि सारे विश्व में शांति बनी रहे और ये साल सबके लिए ही बहुत अच्छा रहे। आज कंगना रानावत आसते सब भोर 6टा बाजवा 15 मिनट थी से सिंहद्वार पहुँची जाते महाप्रभु को 22 पार्श्व दे मंदिर भितर प्रवेश कले। सर्वप्रथम सत्यनारायण को दर्शन करतापुर गणेश को दर्शन कले, नृसिंह को दर्शन कर मूर्तिमंडप आशीर्वाद नहीं माता विमला दर्शन कले। विमला दर्शन पर से भुवनेश्वरी माता दर्शन कले, महालक्ष्मी को दर्शन कर नवग्रह को दर्शन करतापुर से महाप्रभु को संपूर्ण मंगल आरती ठिया हो दर्शन कले। एक घंटा प्राय से मंदिर भर से बिताइले आ बहुत खुशी अनुभव कले। आ कहले बहुत देरी रे आसली, जगन्नाथ धाम होची सबु धाम रो मुख्य धाम, सेते पाई मु बहुत दुखित। समय छि बुलेटिन को एठक बा विदाय दे, नमस्कार।